नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन चु तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। महाराष्ट्र च भारतीय जनता पार्टी ते शिवसेना गठजोड़ नवीं सरकार बनाउण दी तैयारी विच। हरियाणा च किसे भी पार्टी नूं बहुमत नहीं मिलिया, भारतीय जनता पार्टी मुड़ सरकार बनाउण लई आसबंद। जम्मू कश्मीर विच ब्लाक विकास कौंसलां दीआं चोणां च 307 प्रधान चुने गए। पंजाब मंत्रिमंडल वालों पटियाला च जगत गुरु नानक देव पंजाब राज ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित कीते जाने मंजूरी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत अपने गुआंढी देशों समेत सारे देशों नाल सुखावें संबंधों का चाहवान, देश के अंदरूनी मामलों च किसे देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र च भारतीय जनता पार्टी ते शिवसेना गठजोड़ 161 सीटां ते जित हासिल करके नवीं सरकार बनाउण दी तैयारी विच है। 288 मैंबरी विधानसभा च कांग्रेस एनसीपी गठजोड़ नूं 98 सीटां हासिल होईआं ने। महाराष्ट्र विधानसभा लई ऐलाने गए सारे नतीजिआं च भारतीय जनता पार्टी सब तों वध 105 सीटां जित के पहले नंबर ते रही है ते उसदी भाईवाल पार्टी शिवसेना ने 56 हल्कियां च जित हासिल कीती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नूं 54 ते कांग्रेस नूं 44 सीटां ते जित हासिल होई है। 23 सीटां ते होर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए ने। हरियाणा विधानसभा लई होईआं आम चोणां च कोई भी सियासी पार्टी बहुमत हासिल करन विच कामयाब नहीं हुई, पर भारतीय जनता पार्टी सब तों वड्डी पार्टी बन के सामने आई है। 90 मैंबरी विधानसभा च बहुमत वास्ते 46 मैंबरां दी लोड़ है ते भारतीय जनता पार्टी नूं सब तों वध 40 सीटां हासिल होईआं ने। कांग्रेस दे उम्मीदवारां ने 31 सीटां उपर जित हासिल कीती है। जन नायक जनता पार्टी दे उम्मीदवार 10 हल्कियां च कामयाब रहे ने। इंडियन नैशनल लोक दल नूं 1 सीट मिली है, जबकि 7 हल्कियां च आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए ने। किसी भी पार्टी नूं बहुमत ना मिलन करके भारतीय जनता पार्टी दे कांग्रेस जन नायक जनता पार्टी अते आजाद उम्मीदवारां दे समर्थन दीआं कोशिशां विच जुट गए ने। भारतीय जनता पार्टी ने आस प्रगटाई है कि आजाद उम्मीदवारां दे सहयोग नाल सूबे च मुड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होंद विच आवेगी। पार्टी कार्यकर्तावां वल्लों वख-वख थावां ते जश्न वी मनाए जा रहे ने। उधर जन नायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने अपने 10 विधानकारां दी अज नवीं दिल्ली च मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग दौरान हरियाणा च नवीं सरकार दे गठन बारे किसे पार्टी नूं समर्थन देण संबंधी फैसला लिया जा सकदा है। उधर कांग्रेस भी हरियाणा च सरकार बनाउण लई यतनशील है। कांग्रेस दे नेता ते साबका मुख मंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा च भारतीय जनता पार्टी दी खलाकी तौर ते हार हुई है। हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश आया है, सभी को इकट्ठे होकर सरकार बनानी चाहिए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्लीमानी बोर्ड ने हरियाणा च मुख्यमंत्री तब्दील किए जाने की किसी भी संभावना नूं रद्द किया है। पार्लीमानी बोर्ड की मीटिंग च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। उन्होंने सुझाव दिता है कि महाराष्ट्र अते हरियाणा च मुख्यमंत्रियों च कोई तब्दीली ना की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते बीजेपी के प्रधान ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा ते महाराष्ट्र विच पार्टी की कामयाबी लई खट्टर अते फड़नवीस वल्लों की गई मेहनत की शलाघा भी की। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ता वोटरां दा भी धन्नवाद कीता। हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था, उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे। जम्मू कश्मीर विच ब्लाक विकास कौंसल दीआं कल होईआं चोणां 307 प्रधान चुणे गए ने। इन्हां च 217 आजाद ते 81 भारतीय जनता पार्टी नाल संबंधित ने। इह चोणां पार्टी आधार ते करवाईआं गईआं, पर नैशनल कांफ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ते कांग्रेस ने ब्लाक विकास कौंसल दीआं चोणां दा बाईकाट कीता। जम्मू कश्मीर दे मुख चोण अफसर शैलेंद्र कुमार ने बीती रात श्रीनगर च इन्हां नतीजिआं दी जानकारी पत्रकारां नूं दित्ती। उन्हां ने दस्सिआ कि कश्मीर डिवीजन दीआं 127 नोटीफाई ब्लाकां विचों 109 आजाद उम्मीदवार ते 18 भारतीय जनता पार्टी दे उम्मीदवार चोणां च जेतू रहे।
गए ने। जम्मू डिवीजन च ब्लाक विकास कौंसल दीआं चोणां च 88 आजाद उम्मीदवारां ते 52 भारतीय जनता पार्टी दे उम्मीदवारां नूं जित हासिल हुई है। लद्दाख डिवीजन दे 31 ब्लाकां लई हुई चोण विच 20 आजाद ते 11 भारतीय जनता पार्टी दे उम्मीदवार कामयाब होए ने। ब्लाक विकास कौंसल लई हुईआं चोणां च कल तकरीबन 100% मतदान दर्ज कीता गया। इह चोणां अमन अमान नाल हुईआं ते इस विच 26,000 तों वध पंचां ते सरपंचां ने हिस्सा लिया। ब्लाक विकास कौंसल दीआं चोणां लई 1,065 उम्मीदवार चोण मैदान विच सन। 27 ब्लाक विकास कौंसलां दे चेयरमैन बिना मुकाबला ही चुन ले गए। पंजाब सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब की याद में 6 नवंबर को पंजाब विधानसभा का एक दिन सैशन सदन का फैसला किया है। इस बारे फैसला कल बटाला च मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई च हुई कैबिनेट मीटिंग दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा के इस एक दिन सैशन की सिफारिश राज्यपाल को भेजने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग दौरान मंत्रिमंडल वालों पंजाब के 4 वख वख विभागों की 4 साल रणनीतिक कार्य योजना भी सिद्धांतक तौर पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट वालों पंजाब प्राइवेट हैल्थ साइंसिज एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट में सोध नूं भी मंजूरी दी गई। इस तों इलावा मंत्रिमंडल ने सूबा पुलिस शिकायत अथॉरिटी और डिविजनल पुलिस शिकायत अथॉरिटी लई नियुक्तियां करन नूं भी हरी झंडी दी। पंजाब सरकार ने नवी पेंशन योजना तहत कर्मचारियों लिए मुढ़ली तनखाह ते महंगाई भत्ते का अपना मासिक योगदान मौजूदा 10% तो वधा के 14% कर दिता है। पंजाब मंत्रिमंडल ने फैसला केंद्र सरकार के खजाना मंत्रालय वालों बीती 31 जनवरी नूं जारी नोटिफिकेशन के मद्देनज़र लिया है। कर्मचारियों के लाभ हित लए गए एक होर फैसले अधीन मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2004 तो बाद भर्ती हुए सूबा सरकार के सारे कर्मचारियों लिए डैथ कम रिटायरमेंट ग्रैचुटी का लाभ दिते जाने की प्रवानगी दे दी है। यह लाभ नवी पेंशन योजना तहत शामिल किया गया। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब के संबंध में पंजाब मंत्रिमंडल ने पटियाला च जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री दफ्तर के एक बुलारी ने मंत्रिमंडल की मीटिंग मगरों कल बटाला च दसे कि इस संबंधी बिल विधानसभा के अगले समागम च पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल वालों मौजूदा दौर में विद्यार्थियों वालों पत्र विहार विधि राही ऑनलाइन कोर्सों वल बढ़ रही तवज्जो और विश्व पद्धर से सिक्ख्या के खेत्र में आ रही तब्दीलियों ध्यान में रखते हुए इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का फैसला लिया गया। बुलारे मुताबिक इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का मुख्य मकसद उन्होंने विद्यार्थियों लिए विद्यक मौके उपलब्ध कराना है जिन्हों को विद्यक संस्थावां ते रेगुलर पढ़ाई के मौके ना मात्र या बहुत थोड़े ने। सबना लिए विद्या के ढुकवें मौके पैदा करने के मकसद नाल स्थापित होने वाली इस यूनिवर्सिटी जरिए किसी भी तरह के रुजगार वाले व्यक्ति घरेलू सुआढ़ियां बालग और प्रवासी भारतीयों लिए उच्च पदरी विद्या हासिल कर या अपने विद्यक पद्धर नूं होर उच्चा करन दे मौके पत्र विहार विधि जरिए उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान आखिर सिखां दीआं भावनावां ते रवायतां नूं समझेगा ते सिखां वल्लों गुरद्वारियां अते होर धार्मिक स्थानां ते जाण लई कोई फीस अदा करन नहीं कीती जांदी अते पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब जाण लई भारतीय श्रद्धालुआं तों लई जाण वाली 20 अमरीकी डॉलर की फीस नूं वापस लै लवेगा। बटाला च कल पत्रकारां नाल गल्लबात करदे मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नूं इह फीस ना लैण की अपील करदिआं आख्या कि इत्थों तक कि धर्म निरपक्ष भावनावां की कदर करदिया बादशाह अकबर ने भी गैर मुसलमाना ते लगे जजिया टैक्स नूं वापस लै लिया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारत ते पाकिस्तान विचाले करतारपुर लांघा खुले जाण बारे दस्तखत कीते गए समझौते दा स्वागत भी कीता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत अपने गुआंढियों समेत सारे देशों नाल सुखावें संबंधों का चाहवान है पर जे कोई देश भारत के अंदरूनी मामलों च दखल देवेगा तो अमन नूं विगाड़ेगा उस नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति अजरबाईजान के बाकू च भारतीय भाईचारे नूं संबोधन कर रहे सन। उपराष्ट्रपति 19वें गुट निरलेप शिखर वार्ता च हिस्सा लैण वास्ते कल बाकू पहुंचे सन। वेंकैया नायडू ने भारत ते अजरबाईजान विचाले संबंधों नूं होर मजबूत किए जाने की लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने इस देश के विकास च भारतीय चारे वालों भाईचारे योगदान की शलाघा की। वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म वरेगंढ के संबंध में डाक टिकट जारी करने वास्ते अजरबाईजान का धन्यवाद किया। एंगेजमेंट विद अजरबाईजान हैज डीपेंड एंड डाइवर्सिफाइड द वॉल्यूम ऑफ आवर ट्रेड हैज मल्टीप्लाइड मेनीफोल्ड एंड इंडियन कंपनीज लाइक ओएनजीसी विदेश have carved out a niche for themselves in the oil and gas sector of the economy.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्तूबर को आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल मन की गल सांझी करनगे। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम की 58वीं कड़ी होगी। मन की बात प्रोग्राम का आकाशवाणी से दूरदर्शन के सारे केंद्रों तो 27 अक्तूबर को सवेरे 11 बजे प्रसारण किया जाएगा। उसके फौरन बाद मन की बात का खेतरी भाषा में प्रसारण किया जाएगा। मन की बात के पंजाबी रूपांतर का 27 अक्तूबर को डीडी पंजाबी से रात 10 बजे मुड़ प्रसारण किया जाएगा। तो इस खबरों के बुलेटिन खत्म है। नमस्कार।